अगर सिर्फ बकरी के बालों से ब्रशेस बनाए जा सकते हैं, तो ये सिंथेटिक ब्रशेस इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के क्यों बनाए जाते हैं? और ये इतने सस्ते आते हैं, ये महंगे, मतलब डिफरेंस क्या है भाई? ये ब्रस्टो ब्रांड के नेचुरल गोट हेयर ब्रशेस हैं और ये सिंथेटिक ब्रशेस, और ये मैंने 1059 रुपीज में दिए, ये सिर्फ 250 में। मतलब अगर मैं ये बोलूं इस एक ब्रश के प्राइस में आप ये सारे ब्रशेस ले सकते हो। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर आप अदर वीडियोज चेक करें जिसमें ट्यूटोरियल्स है, पेंटिंग्स है और ऑलमोस्ट एवरी मीडियम मैं कवर करता हूँ। तो ऑल इन वन है भाई, सब्सक्राइब कर लो। और जो भी मटेरियल्स मैं पर्सनली यूज करता हूँ उनका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्या ब्रशेस पे इतना टाइम इन्वेस्ट करना और इतनी नॉलेज गेन करना जरूरी भी है? अब इन तीनों ही आर्टवर्क्स में मैंने ब्रशेस का यूज किया, लेकिन अगर मैं इसके ब्रशेस इसमें यूज कर देता और इसके ब्रशेस इसमें यूज कर देता तो पेंटिंग्स तो खराब हो ही जाती है और ब्रशेस भी खराब हो जाते हैं। अब जिन्हें भी ब्रशेस के बारे में नॉलेज नहीं है वो ऑब्वियसली ये वाला ब्रश पिक करेंगे वाटर कलर पेंटिंग के लिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेट और ज्यादा सधे हुए दिखते हैं, तो ऐसा लगेगा कंट्रोल ज्यादा अच्छे से होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इसे एकदम करीब से देखें तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये आपको थोड़े से टूटे फूटे दिखेंगे, बट अगर ये वाले ब्रिस्टल्स आप देखो तो एकदम स्ट्रेट और एकदम अच्छे दिख रहे हैं, मतलब एकदम शार्प। तो नेचुरल हेयर में ये जो टूटे फूटे ब्रिस्टल्स हैं ये एक्चुअली क्यूटिकल्स बोले जाते हैं। एक हेयर दो हेयर्स में स्प्लिट हो जाते हैं और उनके ऊपर धारियां होती हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता है। अब ये वाटर कलर पेंटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? अब आएगा मजा। अब दोनों में पानी पूरा लोड हो चुका है, एक ड्रॉप इसमें से गिर चुका है, दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, ओ माय गॉड, दस ग्यारह बारह तेरह, अब खत्म। अब जरा इसको भी देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर एंड दैट्स इट, खत्म भाई साहब। अब एक और चीज नोटिस करने वाली है, ये जो ड्रॉप्स हैं जो सिंथेटिक के हैं ये बहुत ही छोटे गिरे हैं और ये नेचुरल हेयर्स के इतने बड़े बड़े ड्रॉप्स और इतने सारे, डिफरेंस मतलब अनकंपेरेबल है। तो जो क्यूटिकल्स हमारी आंखों से दिखते भी नहीं है वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, और वाटर कलर के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या ये सिंथेटिक ब्रशेस बिल्कुल बेकार है? ऐसा नहीं है। एक्रेलिक पेंट्स के लिए सिंथेटिक ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं और वाटर कलर ब्रशेस बेकार, क्योंकि ये जो है वो फोल्ड नहीं होते। बट अगर मैं इन्हें फोल्ड करूं तो ये फोल्ड हो जाते हैं, तो ये रीजन है एक्रेलिक्स के लिए ये बेटर होते हैं। अब नेचुरल हेयर ब्रशेस सिर्फ गोट से नहीं बनाए जाते, सेबल, ऑक्स, स्क्विरल, ऐसे कई सारे जानवर और भी हैं जिनसे नेचुरल हेयर ब्रशेस बनाए जाते हैं, और सिंथेटिक नायलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, इन सभी मटेरियल से बनाया जाता है। नेचुरल हेयर ब्रशेस पहले से हुआ करते थे जानवरों के बालों से, लोग हाथ से ब्रशेस बनाया करते थे। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ वैसे प्लास्टिक्स का यूज ज्यादा होने लगा और फैक्ट्री में चीजें बनने लगी। आपको पता है हमारी पृथ्वी पर प्लास्टिक, पॉलिएस्टर वगैरह की कोई कमी नहीं है, यहाँ से प्लास्टिक डालते जाओ और यहाँ से ब्रशेस निकालते जाओ। ऑब्वियसली जो सिंथेटिक ब्रशेस थे वो कॉपी थे नेचुरल ब्रशेस की। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा क्लेम करती है जो नेचुरल शेडिंग प्रोसेस होता है एनिमल का उनके थ्रू वो बाल को कलेक्ट करके और उसके बाद ब्रशेस बनाती है, वहीं कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इसे टोटली नकार देती हैं। बट मैं पर्सनली बीइंग एन एनिमल लवर हमेशा ये चाहता हूँ कि भाई मैं क्रुएलिटी फ्री ब्रशेस ही खरीदूँ, और ये मैं टोटली इंश्योर करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और यही चीज मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। अब ये तो आपको पता ही है कंपनीज इस हद तक कॉपी करती हैं कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे नेचुरल हेयर ब्रशेस कौन से और सिंथेटिक कौन से। तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा नेचुरल हेयर ब्रशेस और सिंथेटिक हेयर ब्रशेस के बीच में डिफरेंस कैसे करते हैं, और एक आर्टवर्क बना के देखेंगे जिससे हमें पूरी तरह से पता चलेगा वाटर कलर के लिए विच वन इज बेस्ट।
तो मुझे लगता है ये फोटो कंपैरिजन के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैंने आउटलाइन बना ली है और इससे हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे विच वन इज़ बेटर, नेचुरल और सिंथेटिक। दोनों में आसानी से कंपैरिजन होगा। हाफ मैं नेचुरल ब्रशेस से बनाने वाला हूँ और हाफ सिंथेटिक से। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये राइट हैंड साइड वाला नेचुरल हेयर ब्रशेज है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सिंथेटिक ब्रशेज है। ये मुझे ज़्यादा स्मूथ लगा पर्सनली और ये वाला थोड़ा सा पैची लग रहा है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ी बहुत मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, एक दो बार मैं नेचुरल हेयर ब्रशेज इधर लगा दे रहा था और सिंथेटिक इधर लगा रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था। बट मोस्टली मैंने कोशिश की है कि एक फेयर कंपैरिजन हो पाए। तो आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन से हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको प्योरली नेचुरल हेयर ब्रशेस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फॉक्स हेयर, ऑक्स हेयर, जितने भी हेयर्स होते हैं मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा अपने आगे आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो में यार मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी, तबीयत ठीक नहीं थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।